धन्यवाद आपको और स्वागत भी है। और आज तब आप लोगों को आमंत्रित किया गया है जब 8 तारीख को यानी कल गांधी मैदान में हम लोग गरीबों का एक महासम्मेलन कर रहे हैं और उस सम्मेलन की सारी तैयारियां हो चुकी है। आज 4 बजे के बाद लोग आना शुरू कर लेंगे और कल 3 बजे तक हम लोग उस सम्मेलन को समाप्त करेंगे। इस सम्मेलन में महागठबंधन के प्रांतीय नेताओं को हम लोगों ने आमंत्रित किया है, जिसमें राजद के माननीय तेजस्वी यादव जी, माननीय राबड़ी देवी जी और तेज प्रताप यादव को भी आमंत्रित किया गया है और कांग्रेस में कौकब साहब को जो अध्यक्ष हैं और विधानसभा में जो नेता हैं सदानंद सिंह जी, उनको भी आमंत्रित किया गया है। लेकिन सूचना मिली है कि कांग्रेस का प्रदेश प्रभारी बने हैं, वो कल आ रहे हैं 10 बजे। हो सकता है कि कांग्रेस के नेता लोग न आवे, इसके लिए लिखित भी हम लोगों के पास पत्र आया है कि ये स्थिति है, इसके चलते हम नहीं आएंगे। इसका मुझे दुख है, लेकिन आपका महासम्मेलन सफल हो ऐसी मेरी कामना है। इस तरह का पत्र आया है। कहाँ नीरा का कितने दुकान चला, क्या नीरा पर सब लोग चले गए? हमारा कहना है कि ताड़ी अभी भी सेवन लोग कर रहे हैं और ताड़ी सेवन करेंगे, उसको शराब के कोटि में रखा ही नहीं जाना चाहिए, वो नेचुरल जूस है। उसी प्रकार से शराब भी हम कहते हैं आपका बंद नहीं है, शराब दुगना दाम चौगुना दाम पर लोग खरीद रहे हैं और उसका सेवन कर रहे हैं। गरीबों को पेट खाली हो रहा है, जेब खाली हो रहा है और सरकार को उसके घाटा में घाटा सहना पड़ रहा है। तो इसलिए हम उस कानून में संशोधन जो 1991 का है उसके अनुरूप करके उसको लागू कराएंगे। और ये ताड़ी वाला बिजनेस है, इसमें भी जितने लोग जेल में हैं, हम कहते हैं कि चाहे शराब वाला मामला हो या ताड़ी वाला मामला हो, जितने भी गरीब लोग जेल में हैं, एक बोतल के लिए एक पैक के लिए वहां, तो उसको रिहा करने के लिए सरकार से मांग करते हैं। और हम लोगों की सरकार यदि आवेगी तो ताड़ी के मामला में और आधा बोतल और आधा पाउच के मामला में जो भी लोग जेल में है वो जेल से उन लोगों को हम लोग रिहा करावेंगे। ये हम प्रयास करेंगे, महागठबंधन की सरकार आएगी तो। इसी प्रकार से हैं, ज्यादा हम समय नहीं लेना चाहेंगे, बहुत सी बातें हमारी हो गई और इसके बाद हम आपसे अनुरोध यही करेंगे कि इन सब बातों को स्पष्ट जिस तरह से हमने कही है उसको पब्लिक डोमेन में लाएंगे और हम समझते हैं कि आप लोग लाएंगे ही, क्योंकि जो हम लोगों का काम था वो गरीबों के लिए था। तो गरीब में हम पत्रकार बंधुओं को भी गरीब मान के चले थे, यही कारण था उनके लिए हमने 1000 रुपया पेंशन देने की बात की थी, कैबिनेट का फैसला है और उसको ये लोग नहीं कर रहे हैं। उसी तरह से सिपाही है, होमगार्ड है, उनके लिए भी हम लोगों ने किया था, ये मेरा फैसला में है। इन सारे फैसला को लागू करे सरकार, नहीं लागू करेंगे तो कल हम लोग इसके लिए आगे क्या कार्रवाई हो सकती है उसकी घोषणा हम लोग करेंगे कि इसके लिए अगर हमको आर पार की लड़ाई लड़नी होगी तो हिंदुस्तान अवामी मोर्चा सेकुलर पीछे नहीं हटेगी। और हम समझते हैं महागठबंधन के सभी घटक, चाहे कांग्रेस हो, चाहे राजद हो या सीपीआई हो, सबका इसमें हमारा सहयोग रहेगा। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने आपको समय नहीं दिया, हम मांग करते हैं कि वो जांच करावे ना। अब किनका है वो अपना समझ ले, सबका जांच करा दें एक दिन। देखिए वो उन्होंने ये भी बोला कि हम किसी को बना देते हैं, बात पता चलता है कि हमने गलती की है। देखिए एक प्रोवर्ब्स है कि मुंह मियां मिट्ठू, तो जो मुंह मियां मिट्ठू हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। उनके पास एडवर्टीजमेंट है, पैसा है, दो चार वो केस इधर उधर ले करके दिखलाते हैं कि दारू बंद होने से इनका बेटा पढ़ रहा है, इनका परिवार सब ठीक हो गया, इस तरह की बात करते हैं। एक आध दो चार तो हो ही सकता है। और हम कहते हैं, हम आप लोगों को कहते हैं कि हम शराबबंदी का सबसे ब्रिलियंट कहिए और धारदार एग्जाम्पल है कि हमारे यहाँ शराब बिकती थी, शराब पीते थे, माँ भी पीती थी, बाप भी पीते थे, लेकिन बंद हुआ तो उस समय कानून था क्या? एक अवेयरनेस आया, हम लोग बंद किया, हम कहाँ हैं, पिताजी माँ दोनों स्वर्ग में हैं। उसी प्रकार से
कॉमन अवेकनेस पैदा करना चाहिए, न कि इस तरह का केस, और केस भी हो, प्लास होटल वाले ने तो बड़का बड़का व्यापारी पकड़ाए थे, जेल भेजे थे, क्या हुआ एफएसएल में आया कि नहीं वो पानी था सिलू सिलू, और ये पैसा ये पकड़ पकड़ के क्या कर रहे हैं, ये पकड़ करके पुलिस स्टेशन में रखते हैं दारू, और लोग पूछता है तो कहता चूहा पी गया सब है कि नहीं। तो उसी प्रकार से जब चूहे कोई पिलवा रहे हैं, लेकिन गरीब को क्यों जेल में बंद कर रहे हैं, हमारा कहना इसी पर कि इसे गरीब के जो इतने लोग हैं, इन्हीं की बात हम मान लें, 10,000 जेल में है, 5,000 जेल में है, उसके परिवार, उसके बाल बच्चे, उसकी शिक्षा, उसका स्वास्थ्य के बारे में इनको चिंता है, तो उसको ऑल्टरनेटिव दे देते, जैसे नीरा की बात कहे घर अभी तो यही कहेंगे। और रही बात कि गलती तो जरूर वो करते हैं, उन्होंने गलती की है, ऐसे तो हम समझते हैं कि वो बिहार में सेकंड बुद्ध भगवान बनना चाहते हैं, बहुत बड़े बुद्धिमान तो वही हो गए हैं, दूसरा तो सब यहाँ बुद्धि के है नहीं, बुद्धिहीन है, लेकिन सचमुच में उन्होंने गलती की थी ये समझ के कि जीतन मांझी एक भुइया मुसार का लड़का है, ये जवान है, इसको जो कहेंगे ये करेगा, नहीं होगा तो कान पकड़ के डांट करके निकाल देंगे, लेकिन हम बने तो 5-6 महीना जो कहा है, अभी 34 फैसला ऐसा है, इसको कोई भी देश नहीं विदेश के लोग आकर के एग्जामिन कर ले कि क्या ये समाज के लिए कोई हानिकारक फैसले थे। अगर ये फैसला हम ले सकते हैं तो कोई बुद्धू आदमी नहीं ले सकता है, जो फैसला इनको लेना चाहिए, लेकिन वो फैसला न लेते हैं, इनमें तो एक वहम है कि जो ये सोचते हैं वही ठीक। जैसे आप ही लोगों के बारे में हमको मालूम हुआ, हम पत्रकार पेंशन लागू किया था तो उसको कैंसिल कर दिए, अब उन्होंने शायद लागू करने की किया है कि पत्रकार सम्मान पेंशन, एको सम्मान जोड़ करके कि नीतीश कुमार का चीज है, और वो हो गया तो बहुत अच्छा हो गया, और जीतन मांझी पेंशन योजना लागू किया था तो खराब था। तो मेरा कहने का मतलब है दूसरे को समझने में इनकी भारी भूल है, ये कम से कम अपना समझदारी को ठीक रखें और अपने ही को न समझें कि हम बहुत काबिल हैं या बहुत सोचते हैं वही ठीक है, जन उपयोगी बात दूसरा भी सोच सकता है। बीजेपी के हम इसको कहेंगे कि जितनी भी वारदातें हुई है, हम तो थोड़ा घबराते हैं क्योंकि आप लोग भी उलट पुलट के लिख देते हैं, लेकिन तो भी आज से एक महीना पहले माननीय मोहन भागवत जी का दौरा हुआ था बिहार में, 8 दिन या 10 दिन यहाँ रहे थे, वो रह करके यही बात किए कि रामनवमी के दिन में बिहार के लोग तो रहे ही, बिहार से बाहर के महिला और युवा वर्ग के लोग आए, और जहां अगर जुलूस निकलती थी वो जुलूस में 50% बाहरी लोग आते थे, और रह आ करके और जहां जहां उनका औरंगाबाद उन्हीं का, नवादा उन्हीं का, और अश्विनी चौबे जी का घर जहां वो भागलपुर, हर जगह जहां उनका डेन है वहीं पर ये भावना को फैलाया गया, और ये बात बिहार की जनता समझ गई है कि ये जो भी है वो भाजपा के द्वारा प्रायोजित ये टेंशन है, इस चीज से बचने के लिए वो एक स्वांग रचे हैं डीजीपी के यहां जा करके कि भाई हम तो नहीं ऐसा चाहते हैं, लेकिन उनको कहने से और डीजीपी को समझाने से कोई बात नहीं है, बात तो बिहार की जनता जान चुकी है। हमारे गया में 500 आदमी का ये था, उसमें 250 आदमी एकदम बाहरी आदमी लिखे थे, कोई नहीं चिंता था, बोधगया में वही बात, जहानाबाद में वही बात, औरंगाबाद में भी वही बात थी। कहने का मतलब कि बाहर के महिला और पुरुष को या जवान को यहां ला करके उस प्रकार का प्रायोजित जो जलसा था, जुलूस था, उसको इन लोगों ने आयोजित किया है और जानबूझ करके टेंशन फैलाया है, इसलिए कि इनकी करनी जितनी थी सब तो अब पता चल गया समाज में कि कोई विकास का काम ये नहीं कर रहे हैं, अब सिर्फ लोगों को भरमा करके 2019 का रन जीतना चाहते हैं, वो रणनीति के तहत उन लोगों ने ऐसा किया है, और हम समझते हैं इस चीज को बिहार की जनता जान गई है। नीतीश कुमार किसके ऊपर इशारा है? देखिए, सांप्रदायिकता बर्दाश्त नहीं करेंगे वो तो कहते हैं, लेकिन आपके माध्यम से हम कानून को बताना चाहते हैं कि अगर बर्दाश्त नहीं करते और कार्रवाई करते तो जिस दिन वहां क्या कहते हैं वहां भागलपुर में शाश्वत जी 2 दिन में अरेस्ट हो जाते, 3 में अरेस्ट हो जाते तो मैं मानता, उन पर 2-2 को मुकदमा हुआ और उन पर वारंट ऑफ अरेस्ट हुआ,
और जब कोर्ट में उनका जमानत अर्जी कैंसिल हो गई, रद्द हो गई, तब वो सरेंडर किए, वो पकड़ाए नहीं है। आज इसका मतलब है कि जो गलत काम कर रहा है उसको आप पकड़ने के लिए नहीं, जब सरेंडर करता है तो उस पर कहते नहीं है। वो औरंगाबाद में क्या हुआ, औरंगाबाद में जो मेन एक्यूज्ड हैं वो भी पकड़े नहीं गए, वो भी सरेंडर किए हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपकी सरकार रहती और संवेदनशील रहती, इस सांप्रदायिकता को सौहार्द को बिगाड़ने की कोई बात कहेगा तो उसको हम लोग न मानेंगे, तो इन दोनों का अरेस्टिंग हो जाता तब मैं मानता। इसलिए तो सबूत है कि साहब वो डर गए हैं भाजपा से, अपना गद्दी वो बचाना चाहते हैं, सिर्फ मुख्यमंत्री बन पद रखना चाहते हैं। सर बिहार का क्या हो, बिहार के सब धर्म वाले लोगों का क्या हो, इसकी चिंता उनको नहीं है।